हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक बार फिर से गाइस हम कंटिन्यू करने वाले हैं पोकेमोन ज़ेनोवर्स को। लास्ट टाइम हम यहाँ तक आए थे, हमारी मॉम से हमारी बैटल हुई थी। और गाइस ये वाला गेम ना एकदम नया है, नए पोकेमोन से नया एडवेंचर है। और गाइस सबसे बड़ी बात यार, यहाँ पर ना हमें हमारा स्टार्टर पोकेमोन मिल चुका है जो कि है शाय लियोन, जहाँ तक मुझे उसका नाम याद है। अच्छी बात है। और मैंने उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग करवाई है, मतलब लेवल 7 का हो चुका है हमारा शाय लियोन, जिससे वो जल्दी जल्दी इवॉल्व हो। और गाइस अगर तुम्हें नहीं पता हो तो इस वाले रीजन का नाम है एलडीयू रीजन। पता नहीं कैसा नाम है, लेकिन हाँ इसका यही नाम है। तो आज हम इस एडवेंचर में आगे बढ़ने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। ओके, कौन से नए नए पोकेमोन? स्पार्क आउल। ओके, स्पार्क आउल से हमारा सामना हुआ है। भला ये कैसा पोकेमोन है? देखने में इलेक्ट्रिक टाइप लग रहा है मुझे। इसमें ना काफ़ी अच्छी चीज़ें, मतलब टाइप एडवांटेज बड़े अच्छे अच्छे हैं। जैसे कि हमारा पोकेमोन एक तो ग्रास टाइप और एक फेरी टाइप है। बहुत अच्छी बात है यार, नए नए टाइप भी हैं। तो पहले पोकेमोन को तो हमने हरा दिया है। मैं यार सोच रहा हूँ ना एक पोकेमोन खुद भी पकड़ लूँ। देखते हैं हम कौन सा पकड़ने वाले हैं हमारी टीम के लिए। मुझे यार स्पार्क आउल अच्छा तो लग रहा है, जहाँ तक मुझे पता नहीं, मुझे लगता है ना मुझे एक पकड़ना चाहिए स्पार्क आउल। जहाँ तक चलो यहाँ पर चलते हैं, नया ट्रेनर। व्हेन टू ट्रेनर्स कैच ईच अदर्स आई द बैटल शॉल बिगिन। हाँ मुझे पता है यार, अवॉइड नहीं कर सकते हम इन्हें, कितना भी कोशिश कर ले बहुत मुश्किल होता है ना अवॉइड करना। ओके, तो इसके पास में भी एक बिडूफ है। यार ये लोग बिडूफ रखते ही क्यों है, मतलब नए जनरेशन में नए नए पोकेमोन रखने चाहिए ना, तो ये लोग बिडूफ को पता नहीं क्यों रखे अपनी टीम में। ओके, तो हम एब्जॉर्ब का यूज़ करेंगे, हमारी हेल्थ भी कम थी। ठीक है, हमारी हेल्थ वापस आ गई। मेरा स्टार्टर बड़ा अच्छा है यार, मतलब उसकी हेल्थ भी खुद से ठीक हो जाती है। अच्छा वो गाइस हमारे पास मैंने टाइप का एडवांटेज भी है। चलो यार यहाँ पर इसके पास में एक ज़िगज़ैगून है जो कि थोड़ा सा वाइड दिख रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, हमने इसे भी हरा दिया फाइनली। ठीक है, इफ यू डोंट वॉन्ट टू फाइट यू कैन जस्ट अवॉइड देयर आइस। बिल्कुल यार, ये तो मुझे पता ही था। ओके, यहाँ से अब आगे चलते हैं, इसमें पढ़ के देखते हैं। मेक एन एफर्ट टू टॉक टू ऑल द पीपल यू मीट ड्यूरिंग योर जर्नी, चांसेस आर दे विल, ओके चांसेस आर दे विल हैव समथिंग यूजफुल टू टेल यू। ओके, मतलब हमें सबसे बात करनी होगी, हो सकता है कोई हमें यूजफुल चीज़ें दे दे। फिर से यही ज़िगज़ैगून, बेकार सा ज़िगज़ैगून। कोई नया पोकेमोन चाहिए यार मुझे। ठीक है, अरे यार वीडल, उससे भी बुरा। वीडल मैंने नहीं मांगा था, वीडल तो मैंने नहीं मांगा था। रुको यार, एक ट्रेनर से बैटल करते हैं, हो सकता है इसके पास में कोई नया पोकेमोन हो। मुझे देखने हैं यार इनके पास में कौन से पोकेमोन्स हैं, बस कोई बेकार सा ना हो लाइक वीडल। ओ ये मैंने, इसके पास में भी एक। ठीक है, हम इसे हराएंगे डिसआर्मिंग बॉयस का। भाई मुझे गाइस जहाँ तक पता चला है ना, मतलब येमिन को हराना इजी है अगर हमारे पास में शाय लियोन है तो। टाइप का एडवांटेज है और ज़िगज़ैगून को तो मैं यूं हरा दूं यार, यूं। ओ पीपी लैप्टी नहीं बची यार, ख़त्म हो गया। चलो ठीक है, ये भी ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है? ओ ये कुछ नया है यार, क्रिकेटॉट। ओके, व्हाट इज़ दिस पोकेमोन? ओके, हमें एब्जॉर्ब का यूज़ करेंगे। ये कौन से टाइप का है? लेकिन इसमें टाइप काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग टाइप्स हैं, तो मज़ा आता है यार कुछ नया देखने में। ओ भाई साहब, हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मुझे ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ ठीक है, मुझे हीलिंग चाहिए यार। ओ हमें पोशन भी मिल गया, मुझे हीलिंग की ज़रूरत थी और हमें पोशन मिल गया। तो सबसे पहले गाइस ना अपने पोकेमोन को हील वगैरह कर लेते हैं यहाँ से। यार इसे चेंज कैसे करें? ओके, इसे चेंज कैसे कर सकते हैं? ओके समझ गया मैं, ये रहा। अबे भाई मैं यूज़ कैसे करूँ? ओके यूज़, ओके शालियोन पर, बिल्कुल नाइस। हमारे पास में सिर्फ एक ही पोशन था और मैंने उसका यूज़ भी कर लिया। ठीक है, और ये कौन सा रूट है? रूट नंबर 1। तो गाइस हम रूट नंबर 1 की तरफ आ चुके हैं, फाइनली अंदर आ गए हैं रूट नंबर 1 में। ओ क्या हो गया, ये कौन है? मैन देयर इज नो वे टू गेट इन देयर।
यू मेड माई हार्ट स्किप अ बीट। आई थॉट इट वॉज अ वाइल्ड पोकेमॉन रेडी टू अटैक मी। यू रियली लुक लाइक ए पोकेमॉन ट्रेनर, एम आई राइट? यस ही आई नेवर मिस वन। या माई नेम इज एडी एंड आई जस्ट मूव टू दिस रीजन। या आई एम अ बिग पोकेमॉन एंथोसिएस्ट एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट देम, बट ड्यू टू माई एज आई जस्ट ऑब्जर्व देयर बिहेवियर एंड सीक हिडन ट्रेजर्स इनसाइड दीज डंजन्स कॉल्ड पोकेमॉन डेंस। यू सी द वन डे आई कैच एम ऑल। ओ वॉट डिड यू से? नेवर हियर्ड और पोकेमॉन डेंस? अच्छा बिल्कुल हमने सुना ही नहीं है पोकेमॉन डेंस के बारे में। मुझे पता यार, हट जा सामने से। ठीक है यार, मैं अंदर जाने वाला हूँ उस पोकेमॉन डेन में, हम जाकर देखेंगे, पता नहीं। ओके फिट होते नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये। ओ भाई हम अंदर अपने पोकेमॉन को भेज सकते हैं, वहीं तो मुझे लगा था यार कि पता नहीं हम उसके अंदर फिट होंगे भी या नहीं, जब वो छोटा सा बच्चा फिट नहीं हो रहा था। ओ गाइस हमें यहाँ पर रेयर कैंडी मिल गई, कूल। इनटू लायंस डेन। ओके सो गाइस हम लोग उस डेन से वापस निकल कर आ चुके हैं और अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। मैं सोच रहा हूँ ना मैं इस ट्रेनर से बैटल करूँ जिससे हमारा लेवल भी बढ़ जाएगा। ओके करते हैं बैटल। एक क्यूट सी लड़की है कोई। ओ भाई मुझे यार ना इस वाले गेम में सबसे पहले नर्स जॉय देखनी है, आखिर नर्स जॉय कैसी हैं। गाइस इसमें ना हमारे पुराने पोकेमॉन भी हैं जैसे कि तुम लोग देख ही रहे हो, आवरा वगैरह, और नए पोकेमॉन दोनों ही हैं। ठीक है अभी तक ज़्यादा कोई नए पोकेमॉन नहीं देखे हैं, बस हमें स्टार्टर पोकेमॉन और एक दो पोकेमॉन ही देखे थे। मुझे जल्दी से ना इसके नए पोकेमॉन देखने हैं, ज़ेनोवर्स के एक्सक्लूसिव पोकेमॉन्स। वाओ यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है आबरा को हमने हरा दिया है गाइस और हमारा शालियन लेवल 8 का हो गया। कूल ठीक है ये उठाते हैं। एक पोकेबॉल मिली हमें और यार ना अब मुझे कुछ पोकेमॉन पकड़ने हैं, मुझे कुछ पोकेमॉन चाहिए हैं, तो देखते हैं कौन सा वाला हमारे सामने आएगा। अरे यार ये भाई बिडूफ नहीं चाहिए, बार बार यार बिडूफ आ रहा सामने, रुको। मुझे ना बिडूफ बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे कोई नया पोकेमॉन चाहिए है, जल्दी से मिले तो मैं उसे पकड़ूंगा। ठीक है स्पार्क आउल मैं पकड़ने वाला हूँ, दिस वन इज कूल मैन। ओके पाउंड, ऑलमोस्ट आधी हेल्थ हो गई, मैं एक और अटैक करूँगा बस। ओह थैंक गॉड ये फेंटेड नहीं हुआ। चलो यहाँ पर अब पोकेबॉल का यूज़ करते हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट पोकेमॉन जो हम कैच करने वाले हैं स्पार्क आउल। ओके ओ भाई कैच हो गया भाई एक बार में, खाली मज़ा आ गया। हमारा पहला पोकेमॉन स्पार्क आउल इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप। इट हैज़ अ पीसफुल नेचर एंड अटैक्स ओनली व्हेन थ्रेटेंड। फर्स्ट इज पैरालाइज द एनिमी विद अ वीक इलेक्ट्रिक शॉक देन रन्स अवे। कूल ऐड टू पार्टी। चलो हमारी टीम में ऐड हो गया गाइस। तो यहाँ से ना सबसे पहले मूव करना है पोकेमॉन और स्पार्क आउल को हम आगे रखते हैं जिससे उसका भी लेवल बढ़ता रहेगा। हमारे पहले पोकेमॉन का तो पहले से ही ज़्यादा हो गया लेवल, अब मुझे दूसरे पोकेमॉन का भी लेवल बढ़ाना है। ठीक है इसके पास में एक लेडी बा है, लेडी बा। ओ भाई हमारे स्पार्क आउल की तो हेल्थ ही कम है यार, मुझे पोकेमॉन को चेंज करने दो। हम शालियन को चुनेंगे, शालियन। ठीक है ओ भाई हमारी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जा रही है, रुको इसके ऊपर मैं करने वाला हूँ। ओ यार डिसआर्मिंग वॉइस भी ख़त्म है, वो काफ़ी अच्छा मूव है लेकिन यार उसकी पीपी एकदम ख़त्म हो चुकी है, तो कोई मतलब नहीं है। अरे तेरी हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई, मैं पाउंड का यूज़ करूँगा। ओ ओ बहुत सही कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हम उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ खा लिए। ठीक है नेक्स्ट पोकेमॉन गाइस स्पार्क आउल आने वाला है, तो मुझे पोकेमॉन को चेंज करना चाहिए क्या? ठीक है मैं अपने पोकेमॉन को पता नहीं कि वो यार फेंटेड करवाने वाला हूँ मुझे लगता है। अरे तेरी ख़त्म हो गया एक ही अटैक से। चलो शालियन का यूज़ करेंगे, इसे तो हरा देगा यार इजीली, लेवल 3 का तो पोकेमॉन है वो। ठीक है अबे इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। ठीक है हम लोग पाउंड का यूज़ करेंगे, कोई बात नहीं, ख़त्म एक और पोकेमॉन ख़त्म हुआ।
और हमें 23 एक्सपी मिली है। यिमिन, ओके यिमिन को हराना इजी है, हमारे पास में टाइप का एडवांटेज है। ठीक है, तो फाइनली गाइस हम लोग जीत चुके हैं एक यंग ट्रेनर से। अब यहां से आगे चलते हैं। सो गाइस फाइनली यार हम लोग आ चुके हैं हार्डवर्फ सिटी में। ये हार्डवर्फ सिटी है, पता नहीं कैसी है। ओ पोकेमोन सेंटर, चलो अंदर चले। नर्जॉय, फाइनली मुझे नर्जॉय से मिलने का मौका मिलेगा। ओ माय गॉड, ये तो पहले वाली सी भी ज्यादा क्यूट है। वाओ, हेलो, वेलकम टू द पोकेमोन सेंटर। ठीक है, जल्दी से मेरे पोकेमोन को ठीक कर दें। रियली यार, मतलब काफी ज्यादा क्यूट क्यूट कैरेक्टर्स हैं इसमें। और ये कौन है फालतू में, इन सब से बात करने से कोई भी मतलब नहीं है। यहां से चलते हैं। ओके प्लीज हेल्प। ओ भाई आग लगी है यहां पर तो यार। प्लीज समवन डू समथिंग, समवन पुट आउट दैट फायर, कीप द चिल्ड्रन सेफ, फायर फायर, कॉल एस्टर फास्ट। अरे एस्टर तो वही बंदा है ना जिसका नाम, मतलब हमारी मॉम ने हमें बताया था कि वो हमारे फादर का फ्रेंड है। एस्टर प्लीज हरी अप। ओ ये रहा एस्टर। वेट, व्हाट्स हैपनिंग हियर, अनदर फायर, स्टे अवे, आई गॉट टू डू समथिंग नाउ। सुकून, ओ भाई साहब इसके पास में पहले से सुकून है। ओ तेरी, एक्सलेंट माई फ्रेंड कून, वेल डन, नाउ कम बैक, डोंट वरी फोक्स, आई गॉट इट। ओ भाई ये कूल था, ब्लू हेयर में बिल्कुल मेरे कैरेक्टर जैसे। एंड यू आर, आई नेवर सीन यू अराउंड हियर येट, यू हैव सच अ फैमिलियर फेस, वॉट एवर, आई एम लिटिल बिजी राइट नाउ, जस्ट स्टे आउट ऑफ ट्रबल। ओके ओके गाइस यार। ओ वेट, यू आर हनी, लुक हाउ यू ग्रोन, इट्स मी एस्टर, डोंट यू रिकनाइज मी, वेल यू स्टिल वर इन इन्फेंट वेन आई मीट यू, योर फादर वॉज माई मेंटर, आर दस पोकेबॉल्स यू हैव देयर, सो क्लोवर फाइनली डिसाइडेड टू स्पिल द बीन्स। हाँ अरे भाई तो ये हमारा फादर का, हमारे फादर का अच्छा खासा फ्रेंड है, तो हो सकता है ये हमारी जर्नी में गाइस हमारी हेल्प करे। देखते हैं, वाई डोंट यू कम विथ मी टू गेट दैट पंक दैट ऑलमोस्ट पुट द सिटी ऑन फायर, दैट्स नॉट अ नॉर्मल पोकेमोन, यू सी इट्स वन ऑफ दस मिस्टीरियस एक्स पोकेमोन। तो यहाँ पर ना जो भी आग लगाई थी वो किसी मिस्टीरियस एक्स पोकेमोन ने लगाई थी। फॉर सम टाइम नाउ दे स्टार्टिंग पॉपिंग ऑल ओवर द रीजन, इन्फॉर्मेशन अबाउट देम इज स्टिल लैकिंग, वी ऑल वी नो इज दे कम फ्रॉम अनदर वर्ल्ड द ज़ेनोवर्स। ओ अब मैं समझा गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसे पोकेमोन्स हैं जो कि दूसरी दुनिया से आते हैं और वो दुनिया जो है उसका नाम है ज़ेनोवर्स। तो ये तो यार पोकेमोन, मतलब पोकेमोन सन एंड मून में जो थे ना, मतलब दूसरे वर्ल्ड से जो पोकेमोन आते थे, मुझे पता नहीं उन्हें अल्ट्रा बीस्ट कहते हैं, हाँ मुझे याद आ गया, वैसे ही कुछ है। इनफ विद दैट चिट चैट, ओके ठीक है। नोइंग दैट लिटिल पंक इट माइट हैव गॉन टू स्टारडस्ट बीच, यू कैन रीच देयर, अच्छा हमें स्टारडस्ट बीच जाना है जो कि रूट नंबर 2 में है। ठीक है चलते हैं। ओके इस वाले घर में पहले चल के देखते हैं क्या है। ओ दादाजी, अरे मच्छर दादाजी, अरे क्या हुआ आपको, दुखी क्यों? माई granddaughter went to the lab, but she forgot her pocket doll here. Would you kindly bring it back to her? Okay. ठीक है, हमें इनकी पॉकेबॉल वापस देनी है तो दे देंगे। यार स्टोरी तो काफी ज्यादा अच्छी हो गई, मतलब शुरुआत में ही इंटरेस्ट बढ़ गया यार मेरा। ऐसा कुछ पता चला कि एक अलग दुनिया भी है इस गेम में जिसे ज़ेनोवर्स कहते हैं। कूल, रियली कूल, मतलब ज़ेनोवर्स वर्ल्ड के पोकेमोन काफी ज्यादा अच्छे होंगे यार, मजा आने वाला है। देखते हैं कैसे कैसे पोकेमोन हमें देखने को मिलेंगे। सो गाइज यहाँ से आगे जाने से पहले यार मैं अपने पोकेमोन को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उनका लेवल अच्छा खासा चाहिए है। क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि आगे पता नहीं कौन सी बैटल हो जाएगी और हम जीत पाएंगे भी या नहीं। दैट्स वाई मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग करके तुम सभी को मिलता हूँ। सो गाइज फाइनली यार मैंने अपने पोकेमोन को ट्रेनिंग करवा दी है और वो लोग काफी अच्छे लेवल के हो चुके हैं। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो यार लेवल 9 और लेवल 9 के हो गए हैं दोनों, और दोनों ना पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो चलते हैं इसके अंदर अब। ओके गाइस तो हम लोग आ चुके हैं स्टारडस्ट बीच में और यहाँ पर देखते हैं हमारे सामना किस किस से होने वाला है, मजा आएगा। ओ भाई यहाँ पर एक ट्रेनर है, चलो हमने अवॉइड कर दिया आसानी से, इजी है यार अवॉइड करना। वाओ दैट वाज फास्ट हनी, आई कंसर्नड इट बट आई वांट यू टू फाइट इट टू प्रूव टू मी हाउ मच यू आर वर्थ, नाउ पे अटेंशन।
भाई यहाँ पर साइड में यार ये रेड पोकेमोन कौन सा है? शायद यही वो पोकेमोन है जो ज़ेनोवर्स वर्ल्ड का है। As I told you, this crook comes from another world, so it's impossible to catch it with the common Pokeball. Therefore, I developed a ball capable of imprisoning the exclusive fury of X species Pokemon. Here, the result of years of research. अच्छा, ओह, नाइस, हमें ज़ेनो बॉल मिली है, कोई नई बॉल। ये ना ज़ेनोवर्स के पोकेमोन को पकड़ने के लिए, क्योंकि हम नॉर्मल पोकेबॉल से एक ज़ेनोवर्स के पोकेमोन को नहीं पकड़ सकते हैं। That's why हमें ये ज़ेनो बॉल मिली है। Let me tell you something. Studies on these Pokemon reveal that they have multiple HP bars. Despite the troubles it made, this Illiquid is not especially strong, so I think it has 2 bars maximum. As for normal Pokemon, also these... Oh, भाई मतलब ये Pokemon तो कोई normal Pokemon है, इससे भी strong Pokemon होंगे। ठीक है, हमें दिखाना है कि हम वर्दी हैं या नहीं, तो battle करते हैं Illiquid से। हमारा पहला ज़ेनोवर्स का पोकेमोन, ओ भाई साहब, पूरी जो आग लगी थी ना वो इसी पोकेमोन ने लगाई थी उस शहर में। मजा आने वाला है यार, ज़ेनोवर्स का फर्स्ट पोकेमोन हमारा। ओके Illiquid, मैं इसे पकड़ने वाला हूँ अपनी एक बॉल से। हाँ, जो हमें ज़ेनो बॉल मिली है ना उसी से पकड़ेंगे। फिलहाल मैं इसे पैरालाइज करता हूँ पहले। ओ भाई साहब गजब, अरे ये थंडर शॉक है, पैरालाइज क्यों नहीं हुआ ये? ओके एक और थंडर शॉक, चलो नाइस, काफी बढ़िया जा रहा है यार हमारा पोकेमोन। ओके वाओ, चल यार एक और अटैक की जरूरत है, लेकिन यार उसके पास में ना 2 HP bars हैं। ये एक नॉर्मल पोकेमोन है, और जो आने वाले ज़ेनोवर्स वर्ल्ड के अच्छे अच्छे पोकेमोन्स होंगे ना उनके पास में बहुत ज्यादा पावर होगी, तो मैं यहाँ पर ज़ेनो बॉल का यूज करने वाला हूँ। आई थिंक ये पकड़ में आ जाए यार। ओके भाई साहब, गाइस फाइनली यार हमने पकड़ लिया है ज़ेनोवर्स का फर्स्ट पोकेमोन, ज़ेनोवर्स वर्ल्ड का फर्स्ट पोकेमोन। ठीक है, Illiquid फायर टाइप, ओ वाओ काफी ज्यादा कूल है। ठीक है, आई नो यू वुड हैव मैनेज्ड इट इजीली, टाइम टू गो बैक टू द लैब। आई हैव टू से दैट यू मेड एन ऑसम वर्क आउट देयर, कांग्रेचुलेशंस, आई वाज श्योर यू विल बी एबल टू हैंडल दिस ऑल ऑन योर ओन। हाहा, एनीवे वेलकम टू माई लैब, दिस इज वेयर आई रन माई रिसर्च ऑन एक्स पोकेमोन। इट्स हियर वेयर ओनली थैंक्स टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट वी कन्विंस्ड द ज़ेनो बॉल द ओनली डिवाइस केपेबल ऑफ कंटेनिंग द पावर ऑफ दिस मिस्टीरियस क्रीचर्स। वी डोंट नो हाउ मैनी अदर एक्स इज। ओ भाई मतलब ना गाइस, LDU रीजन में बहुत सारे ऐसे अलग अलग पोकेमोन्स होंगे। नाइस, और यहाँ पर जिम लीडर्स भी हैं। चलो ठीक है, हम इनसे बाद में बात करेंगे। और आई थिंक गाइस ये वही लैब है जिसके बारे में दद्दू बात कर रहे थे, उनकी बेटी को कुछ देना था। दिस लैब इज ह्यूज, इफ आई ओनली हैड माई पॉकेटॉल विथ मी। मैं लेकर तो आया हूँ यार, दैट्स एग्जैक्टली माई पॉकेटॉल दैट आई लेफ्ट एट माई ग्रैंडफादर्स, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट बैक टू मी। ठीक है, दे दिया मैंने उसको। ठीक है, दे दिया है, अब हम चलते हैं दादाजी के पास में और बताएंगे वहां पर कि दादाजी हमने आपकी भतीजी, आपकी पोती को दे दिया है, जो भी हो वो आपकी, उनकी पॉकेटॉल दे दी है, पहुंचा दी है, हमें कुछ दो अब यार। ठीक है, यहाँ पर ये रहे, आई ट्रूली ओ यू फॉर ब्रिंगिंग बैक हर डॉल, देयर हेयर्स योर रिवॉर्ड। हमें एक ग्रेट बॉल दी यार। ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ज्यादा भी कुछ हमने किया नहीं। सो गाइज ना आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आगे क्या होने वाला है, कौन से नए पोकेमोन्स, कौन सी नई मिस्ट्री हमारे सामने आने वाली है। आज रियली मजा आ गया यार ज़ेनोवर्स के पोकेमोन को देखने में। और हाँ गाइस, अगर अभी तक यार तुमने वीडियो में लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो में लाइक मारो यार, क्योंकि तभी और लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, रिकमेंडेशंस में जाती है, तो तुम्हारा लाइक करना यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई प्लीज लाइक करो, अगर तुम लोग चाहते हो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो लाइक करो, और जो भी नया है तो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे तुम्हें और भी ऐसे गेम प्लेस मिल पाएंगे। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।